नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की से लेकर 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। यात्रा के कुछ दिनों पहले से ही अमेरिका में पीएम मोदी के आगमन की तैयारी शुरू हो गई है। अमेरिकी सरकार भी इस यात्रा को लेकर काफी उत्सुक है। इसी बीच शुक्रवार को व्हाइट हाउस के बाहर भारतीय तिरंगा और अमेरिकी झंडे को एक साथ लहराया गया। तस्वीर में देखा जा सकता है कि व्हाइट हाउस के बाहर दोनों देशों के झंडे लहरा रहे हैं। रामायण पर आधारित प्रभास और प्रीति सेनन अभिनीत फिल्म आदि पुरुष विवादों में घिर गई है। फिल्म के स्तरहीन संवाद और सिनेमेटोग्राफी को लेकर दर्शक नाराज हैं। इसको लेकर हिंदू सेना फिल्म के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की। इस याचिका में भगवान राम, माता सीता, भगवान हनुमान आदि की छवि से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नदीम सेट्टी ने भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में उनकी टीम की भागीदारी पर शुक्रवार को संदेह जताते हुए कहा कि यह सरकार की मंजूरी के अधीन है। सेट्टी के इस रुख पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के लिए विश्व कप के कार्यक्रम को अंतिम रूप देना मुश्किल होगा। सेट्टी की टिप्पणी पर इसलिए भी आश्चर्यजनक है क्योंकि एशियाई क्रिकेट परिषद के प्रमुख जयसाज सहित सभी हितधारकों ने पीसीबी प्रमुख द्वारा प्रस्तावित एशिया कप के लिए हाइब्रिड मॉडल पर आयोजन के लिए सहमति दे दी है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सरकार को वित्त वर्ष 2022-23 का डिविडेंड दे दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को इस डिविडेंड का चेक सौंपा गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एसबीआई चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने बीते कल 5,740 करोड़ रुपए का डिविडेंड चेक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को सौंपा। खास बात ये रही कि ये अभी तक की सबसे बड़ी डिविडेंड है। पद्म भूषण शारदा सिन्हा की मौत की झूठी खबर को सोशल मीडिया पर वायरल करने को लेकर उनका परिवार काफी आहत है। इस झूठी खबर के खिलाफ उनके बेटे ने सोशल मीडिया पर बयान दिया है। वही शारदा सिन्हा ने भी इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी है। शारदा सिन्हा ने ऐसा करने वालों पर निशाना साधते हुए बिहार सरकार से पूछा है कि सरकार ऐसी अफवाह फैलाने वालों की पहचान नहीं कर सकती है क्या। बता दें कि अपनी मौत की झूठी खबर से आहत शारदा सिन्हा ने फेसबुक के जरिए अपनी बात उठाई है। पीएम मोदी अमेरिका जाने वाले, उनके दौरे से पहले भारत ने अमेरिका के साथ एक बड़ी डिफेंस डील की है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के सौदे को मंजूरी दी है। करीब $3 अरब यानी लगभग 24,000 करोड़ रुपए के सौदे में अमेरिका से 31 सबसे घातक और आधुनिक प्रीडेटर ड्रोन भारतीय सेना के बेड़े में शामिल होंगे। रक्षा सौदों की इन खबरों के बीच वरिष्ठ अमेरिकी पत्रकार और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट फरीद रफीक जकारिया का मानना है कि पड़ोसी देशों की चुनौतियों और बदली वर्तमान स्थितियों में भारत को मिलिट्री टेक्नोलॉजी में सबसे आगे होने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले में कहा है कि ट्रेन में सामान चोरी पर मुआवजा नहीं मिलेगा। कोर्ट ने कहा है कि लगेज की सुरक्षा रेलवे सर्विस का हिस्सा नहीं है। देश की सबसे बड़ी अदालत के एक अहम फैसले में कहा कि ट्रेन यात्रा के दौरान किसी यात्री से चुराए गए पैसे को रेलवे की ओर से सेवा की कमी नहीं कहा जा सकता है। बता दें कि अदालत के फैसले के बाद जिला, राज्य और राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम का आदेश निरस्त हो गया है। अमेरिका ने चीन को विकासशील देश का दर्जा छीन लिया है। इससे ड्रैगन में बौखलाहट है। यह इसलिए क्योंकि चीन अब सस्ते दर पर लोन नहीं ले सकेगा। चीन डेवलपिंग कंट्री स्टेटस का गलत फायदा उठा रहा था। वह सस्ता लोन लेकर गरीब देशों को फंसा रहा था, मगर ड्रैगन से विकासशील देश का दर्जा हटने के बाद वह ऐसा नहीं कर सकेगा। डेवलपिंग कंट्री स्टेटस लेकर चीन ने अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों को अपना कर्जदार बनाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक कंपनी पर बड़ा जुर्माना लगाया है। यह कंपनी लोगों को कर्ज देने का काम करती है। रिजर्व बैंक के नियमों के उल्लंघन को लेकर यह जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय बैंकों का कहना है कि त्रिशूर स्थित गोल्ड लोन कंपनी पर यह जुर्माना भी नियामक अनुपालन में कमियों के कारण लगाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक का 2,000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला देश के बैंकों के लिए डिपॉजिट बढ़ाने वाला साबित हुआ है। RBI ने 23 मई से 2,000 रुपए के नोट के वापस लेने या बैंक खातों में जमा कराने के लिए कहा था, जिसके बाद बैंकों के पास भारी संख्या में 2,000 रुपए के नोट आ रहे हैं। इसी को लेकर बड़ा आंकड़ा सामने आया है। 2 जून को खत्म पखवाड़े में कॉमर्शियल बैंकों द्वारा 2,000 रुपए के नोटों की शक्ल में जमा की गई करेंसी 3.26 लाख करोड़ रुपए बढ़कर रही है। इसके दाम पर बैंकों का डिपॉजिट 187.02 लाख करोड़ रुपए पर आ गया है और ये आंकड़ा काफी बड़ा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग के सुझाव मांगे जाने को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। बोर्ड ने कहा है कि भारत में इस तरह का कानून बनाने बेवजह देश के संसाधनों को बर्बाद करना है और यह समाज में बेवजह अराजकता का माहौल बनाएगा। मुस्लिम बोर्ड का कहना है कि समय यह कानून लाना अनावश्यक है, अव्यवहार और खतरनाक है। मुस्लिम लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर SQR इलियास ने एक प्रेस बयान में कहा है कि हमारा देश एक बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक और बहुभाषाई समाज है और इसकी यही विविधता ही इसकी पहचान है, लिहाजा इस पहचान से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए।
पटना रांची के बीच शुरू होने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस का एक बार फिर ट्रायल रन होगा। इसके लिए रेलवे अधिकारियों की तरफ से फिर से तैयारी शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि 12 जून को हुए ट्रायल रन के दौरान कई खामियां सामने आई थी, जिसे दूर करने के लिए रेलवे के अधिकारी एक बार फिर से ट्रायल रन कराएंगे। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर अंबाती रायुडू ने हाल ही में एक बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा था कि साल 2019 के आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया था। उनकी जगह विजय शंकर को टीम में जगह मिली थी। इसके पीछे की वजह कुछ और ही थी। रायुडू ने बताया कि कुछ लोगों को मुझसे दिक्कत थी, जिस कारण उन्हें टीम में जगह नहीं मिली। रायुडू के इस बयान के बाद 2019 में चीफ सेलेक्टर रह चुके सेलेक्टर MSK प्रसाद ने अंबाती के बारे में बड़ी बात कही है। उन्होंने टाइम्स नाउ पर बात करते हुए कहा है कि हम सभी जानते हैं कि कोई एक इंसान टीम सेलेक्ट नहीं करता है, यह 5 लोगों की जिम्मेदारी होती है। समिति में कुल 5 लोग होते हैं और हम वो भी निर्णय लेते हैं, सामूहिक निर्णय होता है। अगर कोई एक ही व्यक्ति फैसला लेता तो 5 लोगों की चयन समिति में क्या जरूरत है। भारतीय ओलंपिक संघ ने एशियाई ओलंपिक परिषद से संपर्क कर एशियाई खेलों के लिए देश की कुश्ती टीम का विवरण मुहैया कराने की समय सीमा 15 जुलाई बढ़ाने की मांग की है, क्योंकि पहलवानों ने खेल मंत्रालय से अगस्त में ट्रायल कराने का अनुरोध किया था। IOA को 15 जुलाई तक सभी वर्गों की सूची OCA को सौंपनी है। भारतीय कुश्ती महासंघ ने सभी राष्ट्रीय महासंघों को 30 जून तक अपने संबंधित चयनित खिलाड़ियों की अंतिम सूची जमा करने के लिए कहा है। केंद्र सरकार ने दरभंगा में बने मखाना अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा प्रदान किया है। वहीं इसके पहले ही मिथिला मखाना के नाम से यहां के मखाने को GI टैग मिला भी है। मिथिला के मखाने की पहचान देश दुनिया में इस नाम से है और मखाने के कारण देश दुनिया में मिथिला को एक अलग पहचान भी मिल रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने पुराने गठबंधन सहयोगी शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए उनसे सवाल किया कि क्या महाराष्ट्र में भी कर्नाटक पैटर्न लागू होने वाला है। दरअसल कर्नाटक में BJP को हराकर सत्ता में आई कांग्रेस ने पाठ्य पुस्तकों से RSS के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार, हिंदुत्व विचारक वीर दामोदर सावरकर पर अध्यायों को हटाने का फैसला लिया है। उस्मानाबाद में एक रैली में उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने देश की आजादी की लड़ाई में शामिल होने वाले हस्तियों के नाम भले ही पाठ्य पुस्तकों से हटा दिए हों, लेकिन हमारे दिलो दिमाग से उनका नाम नहीं मिटा सकती है। IIT ISM धनबाद के 2 वैज्ञानिकों ने लंबे रिसर्च के बाद प्लास्टिक का इको फ्रेंडली विकल्प ढूंढ लिया है। वैज्ञानिकों की माने तो इसकी लागत प्लास्टिक से कम तो होगी, इसका गुणवत्ता और उपयोगिता की दृष्टि से भी बेहतर होगा। इस उत्पाद का लैब परीक्षण कर लिया गया है। इस रिसर्च का पेटेंट नवम्बर 2022 में ही करा लिया गया था। ग्लोबल आइडेंटिटी सिक्योरिटी कंपनी साइबर आर्क द्वारा दिए गए एक सर्वे में चौंका देने वाली बात सामने आई है। सर्वे के नतीजे सामने आने के बाद पता चला है कि 91% भारतीय संगठनों ने वर्ष रैमसवेयर अटैक का सामना किया। रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया कि 10 में से 9 से ज्यादा संगठनों ने पिछले वर्ष में रैमसवेयर अटैक का वार झेला है। 55% प्रभावित संगठनों ने बताया कि उन्होंने रिकवरी के लिए 2 बार भुगतान किया। ऐसे पता चलता है कि ये इन संगठनों पर डबल एक्सटॉर्शन की मार पड़ी है। अदालत ने गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के मामलों में 35 लोगों को बरी कर दिया है। 12 जून के अपने आदेश में जो 15 जून को उपलब्ध कराया गया है। में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हर्ष त्रिवेदी की अदालत ने दंगों को एक साजिश करार देने वाले छद्म धर्मनिरपेक्ष मीडिया और राजनेताओं को भी फटकार लगाई है। 1985 में हुए एयर इंडिया बम धमाकों के कथित मास्टरमाइंड तलविंदर परमार का महिमा मंडन खालिस्तान समर्थक कर रहे हैं। खालिस्तान समर्थकों ने तलविंदर परमार का एक पोस्टर कनाडा में कई जगहों पर लगाया है। विवादित पोस्टर पर 25 जून को दोपहर 12:30 बजे होने वाले कार रैली में प्रचारक के रूप में लगाया गया है। इतना ही नहीं, पोस्टर के जरिए खालिस्तानी समर्थकों ने 1985 में हुए कनिष्क की आतंकी को लेकर भारत की भूमिका की जाँच की मांग की है। हजारों भारतीय करोड़पति हर साल विदेशों में जाकर सेटल हो जाते हैं। HNI की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में करीब 6,500 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स देश छोड़कर जा सकते हैं। इस रिपोर्ट के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों भारतीय देश छोड़कर जा रहे हैं, जो कि लाजमी भी है। सुपर रिच भारतीयों का ठिकाना कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया बनता जा रहा है। इन तीनों देश कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में सुपर रिच के लिए टैक्स की दरें भारत के मुकाबले कहीं अधिक है। जानकारी के मुताबिक कनाडा में पर्सनल इनकम की मैक्सिमम दर 54, अमेरिका में 51.6 और ऑस्ट्रेलिया में 45% है, जबकि इंडिया में यह केवल 30% ही है। देवभूमि उत्तराखंड में राष्ट्रीय नदी गंगा के विभिन्न घाटों पर आने वाले दिनों में महिलाएं भी गंगा आरती कराती नजर आएंगी। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का उद्देश्य गंगा के उद्गम स्थल गोमुख से लेकर गंगा सागर तक के सभी घाटों पर मां गंगा की आरती को वृहद स्वरूप देने का है। इसी के अंतर्गत गंगा वाले राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार व बंगाल के चयनित प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण की श्रृंखला प्रारंभ की गई है।
16 जून से ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में होने वाले प्रशिक्षण के लिए पहली बार उत्तराखंड की 4 महिलाओं को भी चयनित किया गया है। पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग ने कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बता दें कि कोलकाता हाई कोर्ट ने अपने फैसले में पंचायत चुनाव के दौरान कुछ जिलों में केंद्रीय बलों की नियुक्ति का आदेश दिया था। वहीं बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने पंचायत चुनाव से संबंधित मुद्दे पर चर्चा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कमिश्नर राजीव सिन्हा को शनिवार को राजभवन तलब किया है। यूजर्स के फोन में घुसकर उनकी जासूसी के आरोप में गूगल ने प्ले स्टोर से लगभग 101 एंड्रॉइड ऐप्स को हटा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन ऐप्स को 42 करोड़ बार डाउनलोड किया जा चुका है। सिक्योरिटी रिसर्चर डॉक्टर वेब ने कुछ एंड्रॉइड ऐप्स में नया स्पाईवेयर का पता लगाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को यहाँ बेंगलुरु में रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता पर रक्षा मंत्रालय के लिए सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक के दौरान संसद के दोनों सदनों की समिति के सदस्यों को रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए की गई पहल और अब तक की प्रगति के बारे में अवगत कराया गया है। रक्षा मंत्री ने देश की सुरक्षा को बढ़ाने और सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए सरकार के निरंतर प्रयास पर प्रकाश डाला है, ताकि लगातार विकसित वैश्विक परिदृश्य से उत्पन्न होने वाले चुनौतियों से निपटा जा सके। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मोहम्मद साकिर हुसैन, सचिन कुमार, बाबूलाल मरांडिया। बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है, गर्मी से बचाव के लिए आप क्या कर रहे हैं। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।